अस्सलाम वालेकुम गाइस, इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के बारे में। अब सारा कुछ कंफर्म हो चुका है इन्फिनिक्स नोट 10 को लेकर। आज की वीडियो में आपको इस स्मार्टफोन की कंफर्म स्पेसिफिकेशन, कंफर्म प्राइसिंग पाकिस्तान, कंफर्म लॉन्च डेट, अगर आपको सारा कुछ जानना है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक वॉच कीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमें स्मार्टफोन के फ्रंट डिस्प्ले से, तो भाई यहाँ पर आपको 6.95 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ, और यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग लेगेसी की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। फ्रंट पर जो आपको मिडिल के अंदर पंच होल भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मेमोरी की बात कर लीजिए तो भाई इस स्मार्टफोन का एक इवेंट आएगा पाकिस्तानी मार्केट में जो कि कंफर्म हो चुका है, तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज, यस 8GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज, EWMC 5.1 की स्टोरेज टाइप हो सकती है लेकिन अब तक कंफर्म नहीं है, LPDDR4X रैम टाइप प्रोवाइड की जाएगी। अब यार नया ट्रेंड सेट होगा इन्फिनिक्स और टेक्नो को करेंगे पाकिस्तानी मार्केट में, यानी कि हमें 35 से 40 हज़ार की रेंज के अंदर यहाँ पर हमें 8GB की रैम और 256GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, जो कि कोई ब्रांड इसको प्रोवाइड नहीं कर रहा इस प्राइस रेंज के अंदर। कैमरा सेटअप की बात कर लीजिए तो भाई बैक पे जो आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, साथ LED फ्लैश लाइट और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन कैमरा सिचुएशन की तो बैक पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, मेन कैमरा जिसमें 64 MP का है, साथ 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर और 1 AI सेंसर होता है जिसका कोई काम ही नहीं होता। बैक पे आपको LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट की बात कर लीजिए तो भाई फ्रंट पे आपको मिडिल के अंदर पंच होल के अंदर 16 MP का सेल्फी शूटर कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। यार इस स्मार्टफोन की जो इमेज प्रोसेसिंग होगी वो काफ़ी अच्छी निकल के आएगी, क्योंकि इस बार इन्फिनिक्स जो है अपनी कैमरा सिचुएशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन लेकर आया है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को लेकर, यानी कि चिपसेट क्या प्रोसेसर आप भी कह सकते हैं। यार प्रोसेसर जो होता है ना वो मेन होता है, वो पूरे फ़ोन को रूल करता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक हीलियो G95। अब ये जो प्रोसेसर है काफ़ी कैपेबल चिपसेट है, ये आपके सारी गेम्स विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप, और हाँ यार ये फ़ोन जो है इतना कोई हीट नहीं होगा। हीलियो G90T जो कि इसका पुराना छोटा भाई था वो काफ़ी ज़्यादा हीट कर जाता था, लेकिन ये जो फ़ोन है इतना हीट भी नहीं करेगा। यार गेमिंग के अंदर ये स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी अच्छी निकल के आएगी। यार ये थे स्पेसिफिकेशन ऑफ इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। अब मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन की कंफर्म प्राइस जो होगी इस स्मार्टफोन की पाकिस्तान के मार्केट्स के अंदर वो होगी 29 से लेकर 33 हज़ार के दरमियान के अंदर। यस 29 से लेकर 33 हज़ार के प्राइस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में डिप्लॉय किया जाएगा। अगर स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज के लिए आता है तो काफ़ी अच्छा और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा। बट आपका स्मार्टफोन के बारे में क्या कहना है मुझे कम से बताना। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन लॉन्च इंडियन पाकिस्तानी मार्केट, तो भाई 18 मई को ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में अनाउंस होगा, उसके बाद 21 मई को स्मार्टफोन प्री ऑर्डर शुरू हो जाएंगे और 24 मई को ये स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। यार ये थे स्पेक्स, ये थी स्मार्टफोन की लॉन्च डेट और प्राइस इन पाकिस्तान। अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आगे इस तरह की वीडियोस बना सकूं। तो आई विल कैच यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।